सभी उपस्थित भक्त प्राणीजन, आज की कथा हनुमान चालीसा के जो भाव हैं हम उसको आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरे मन में है। कल कुछ हम लोग दोहा उसके भाव हम आपको बता रहे थे। कुछ लोगों का सवाल था कि फिर से एक बार सुने। पहला है कि वो तो लिखा हुआ है, अरे फेसबुक पर है, आप फिर से सुन सकते हैं। दूसरा कि हम आज सुना देते हैं। उन्हीं सब दोहे का दूसरा अर्थ, एक दूसरा भाव। पहला क्या है? पहली बात, हनुमान जी, हनुमान क्यों कहते हैं उनको? लोग कहते हैं, बोल सकते हैं, इंद्र ने मारा तो उनकी हनु टेढ़ी हो गई, इसलिए हनुमान। लेकिन ये कथा कुछ मिलती नहीं है। कैसे नहीं मिलती है? जब हनुमान जी को इंद्र ने मारा तो हनुमान जी की हनु नहीं टेढ़ी हुई, इंद्र का वज्र टेढ़ा हो गया। अच्छा, एक कथा है, हनुमान बाहु उठा के देख सकते हैं। इंद्र ने मारा हनुमान जी को तो हनु मान, इसलिए कहा गया कि इंद्र का वज्र ही टेढ़ा हो गया, इसलिए कहा गया हनुमान। मान किस चीज को कहते हैं? अहंकार को। जिसने अहंकार को मार दिया उसका नाम हनुमान, जिसने अहंकार को मारा तो इसलिए उनका नाम हनुमान हुआ। जिसने अहंकार को मार दिया उसका नाम हनुमान। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरुदेव जी के पैरों की धूल, उसे क्या करना है? निज मन मुकुर सुधार। हम लोगों का मन ही बिगड़ता है ना सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा क्या बिगड़ता है? मन। और मन कैसे ठीक रहेगा? गुरु जी के पैर की धूल से। तो इसीलिए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। रज का मतलब है धूल, और रज का मतलब है राजसी वृत्ति। जिसने राजसी वृत्ति को मार दिया हो वही गुरु हो सकता है। राजसी वृत्ति क्या है? राजसी वृत्ति भी आती है कि अहंकार का ही एक रूप है कि मैं राजा हूं, मैं बहुत महान हूं, यही राजसी वृत्ति। तो निज मन मुकुर सुधार, तो गुरु के पैर की धूल से जो है राजसी वृत्ति खत्म हो जाती है, और फिर क्या होता है? हमारा मन सुधर जाता है। और जब मन सुधर जाता है तो क्या होता है? बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। जब तक मन नहीं सुधरेगा तब तक रामचरित मानस की कथा समझ में नहीं आएगी, या राम जी की कथा समझ में नहीं आएगी। जब तक मन नहीं सुधरता,
और तब तक राम जी की कथा का वर्णन भी नहीं हो सकता। और मन कैसे सुधरेगा? ये सुधरेगा गुरु जी की कृपा से। इसीलिए सबसे पहले, अच्छा, हनुमान जी को क्या कहा गया है कि बहुत विद्वान है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। और ज्ञान कौन देता है? ज्ञान देती है सीता मैया। और सीता मैया कौन है? साक्षात सरस्वती का रूप। जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय कर नानी धान के ताके जुग पद कमल मनाओ जासु कृपानी मलम पाओ मंगल भवन मंगल प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। तो जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावो और जासु कृपा निर्मल मति पाओ। सीता मैया के पैरों में जिसने अपना सिर रख दिया उसे ही मति मिलती है, बिना उसके मति नहीं मिल सकती। हनुमान जी ने क्या कहा? बार बार सीता माँ को प्रणाम किया, बार बार सीता माँ को प्रणाम किया। इसलिए ज्ञान इनाम अग्र गण्यम कहे गए हमारे हनुमान जी। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चा बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुई हरहु कष्टविकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि सतिहु लोक उजाग राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र। इस चौपाई का अर्थ हम लोग कर रहे थे, राम दूत अतुलित बल धामा। कितना बल है हनुमान जी को हमारे? कितना बल है? अच्छा, शास्त्र में क्या लिखा आप सुन लीजिए, हनुमान जी के पास कितना बल है? कितना बल है? 10,000 हाथी में जितना बल होता है उतना एक दिक्पाल में होता है। दिक्पाल किसे कहते हैं? दिक्पाल है ये जो दिशाएं हैं, इन दसों दिशाओं के एक एक देवता है। तो एक दिक्पाल में 10,000 हाथी का बल होता है। तो जितना 10,000 दस दिक्पालों में बल है, जितना 10 दिक्पालों में बल है उतना एरावत हाथी में होता है जो इंद्र का हाथी है। ठीक, जितना 10 एरावत हाथी में बल है उतना इंद्र के वज्र में बल होता है। ठीक है, और जितना इंद्र के वज्र में बल है वो हमारे हनुमान जी की छोटकी अंगूरी में रहता है, इतना बल है। 10,000 हाथी में जितना बल होता है उतना एक दिक्पाल में होता है। 10 दिक्पाल में जितना बल है उतना एरावत हाथी में होता है। जितना 10 एरावत हाथी में बल होता है उतना इंद्र के वज्र में होता है।
और जितना इंद्र के वज्र में बल है वो हमारे हनुमान जी की कानी अंगुरी में है। कौन सी अंगुरी कहते हैं इसे? पिंक। पिंक। अर्जुन को बड़ा घमंड हो गया। अब हनुमान जी का बल सुन लीजिए, कल नहीं कह पाया था, घमंड हो गया। तो भाई पूजा करना था, फूल लाना था, हमारे भीम जी गए फूल लाने हिमालय पर, तो एक बूढ़ा बंदर रास्ते में सोया था। तो भीम ने कहा, ए बंदर रास्ता छोड़। तो हनुमान जी थे, कहा भैया मैं तो बूढ़ा हो गया, पूछ उठती नहीं मेरी मुझसे, एक काम करो ये पूछ उठा के उधर रख दो चले जाओ। और भीम में कितना बल था? दुशासन में 10,000 हाथी का बल था जो द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था। 10,000 हाथी का बल था और जितना 10 दुशासन के अंदर बल था उतना भीम के अंदर बल था। और दुशासन जिसके पास 10,000 हाथी का बल था वो 10 गज साड़ी नहीं खींच पाया था द्रौपदी की, हार गया था ना, हार गया था। तो भीम कितना हुआ? 100,000 हाथी का बल भीम के अंदर था। भीम लगे हनुमान जी की पूछ उठा करके रखने, वो पूछ उठा नहीं पाए। तो अर्जुन आए, भाई अर्जुन बंदर को हटाओ। तो अर्जुन पहचान गए तो हनुमान जी, कहा अरे आप क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? कहा आप राम के भक्त? कहा राम के भक्त। कहा आपके राम जी को समुद्र बांधना पड़ा बंदरों को जुटा करके, हाँ? मैं तो एक तीर से समुद्र बना दूं और सब बंदर उतर जाए। अच्छा। मैं आपके राम जी का बल जानता हूं। हनुमान जी ने कहा अच्छा ठीक है। कहा बेटा बना दो बल, बना दो एक पुल, जरा मैं उस पार चला जाऊं। वो तीर मारे और पुल बन गया। हनुमान जी क्या किए? हनुमान जी बस अपना अंगूठा पुल के किनारे रख दिए, पुल पूरा हिलने लगा और नीचे देखे हनुमान जी तो पूरा समुद्र लाल हो गया। कहा ये तो खून निकल रहा है। गए झांके नीचे, देखे कृष्ण भगवान पुल के नीचे बैठे। उन्होंने कहा ये क्या है? कहा महाराज हनुमान जी, अर्जुन हमारे भक्त और आप भी पिछले अवतार में आप हमारे भक्त, अगर पुल टूट जाता तो अर्जुन का अपमान होता, इसलिए अर्जुन की इज्जत बचाने के लिए मैं नीचे आ गया। और आपका इतना बल कि आपने इतने जोर से दबाया कि मेरे मुंह से खून निकल गया, इसलिए समुद्र लाल हो गया। ये हनुमान जी का बल, अतुलित बल धाम। और उसके पहले का जो दोहा है, बल बुद्धि विद्या देह मोह हरहु कलेश विकार। अच्छा, अगर हनुमान चालीसा बहुत कठिन हो जाए समझने तो आप हाथ उठा दीजिए कि अब बहुत कठिन हो गया। बल बुद्धि विद्या देह मोह हरहु कलेश विकार। कलेश किसे कहते हैं? कहते घर में बहुत बहुत क्लेश है, ठीक है, आप घर में बहुत झगड़ा है, बहुत क्लेश है। नहीं, क्लेश के फटतालिंग अभी नहीं आया नीदरलैंड्स में, लोग कहेंगे झगड़ा है, क्योंकि वास्तव में क्लेश क्या है हम जानते ही नहीं। क्लेश क्या है? क्लेश क्या है? क्लेश 5 तरह का होता है, योग शास्त्र में लिखा है। इसलिए कहा हनुमान चालीसा बहुत कठिन हो तो पंडित जी बता दीजिएगा, तब मैं कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। क्लेश 5 तरह का होता है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशा। अविद्या, इसीलिए कह रहा था कागज और कलम रखिए तो आप लिखते जाएंगे,
अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशा, पांच क्लेश कहे गए। कौन कौन से? पहला है अविद्या। अविद्या सबसे बड़ा दुख है। अविद्या, विद्या ही नहीं है भाई। अज्ञानी आदमी सब जगह दुखी होता है ना। साधारण सा अर्थ लीजिए, इसका तो बड़ा दीप अर्थ है। राजा अपने देश में सुख पाता है, बाहर सुख नहीं मिलता उसे, ठीक। लेकिन विद्वान अपने देश में सुख पाता है और बाहर जाता है तो भी सुखी रहता है। अज्ञानी तो सब जगह दुख पाता है, अपने भी देश में और विदेश में भी। राजा अपने देश में सुख पाता है, विदेश में सुख नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जो सुख घर में मिलता है, नौकर चाकर सब कुछ, समय पर भोजन, विदेश जाने पर तो नहीं हो पाएगा ना। राजा अपने देश में सुख पाता है, अज्ञानी देश में सुख पाता है विदेश में, नहीं, अज्ञानी देश में दुख पाता है विदेश में दुख पाता है, और ज्ञानी अपने देश में सुख पाता है और विदेश में भी सुख पाता है। इसलिए अविद्या सबसे बड़ा क्लेश है, अज्ञानी होना सबसे बड़ा क्लेश है। अच्छा, अब ज्ञान नहीं है तो क्या करिए? शास्त्र क्या कहते हैं? ज्ञान न हो तो क्या करिए? जिसके पास ज्ञान है उसके साथ रहो, ठीक। जिसके पास ज्ञान हो उसके साथ रहो। लेकिन अज्ञानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ज्ञानी का साथ नहीं करेगा, ज्ञानी का साथ वो नहीं करेगा। और जब ज्ञानी का साथ करेगा तो कभी समस्या नहीं आएगी। राजा साहब थे, राजा साहब मर गए, कोई राजा थे, बेटा को राजते गए, बेटा सब दिन सुख में पला। तो राजा जब मर गए तो जो पड़ोसी के राजा थे वो दुश्मनी थी उनसे, तो सोचे राजा जो राजकुमार बैठा है, राजा बना है, ये बड़ा सुख में पला, ये लड़ाई क्या जाने, सब चढ़ाई कर दिए। तो अपने तो जैसा था उसने क्या किया, राजा बनते ही जितने मंत्री थे सबको हटा दिया, कहा ये सब दिन भर ज्ञान की बातें करते हैं, सिर खाते हैं, मैं अपने दोस्तों को बनाऊंगा। तो अपने दोस्तों को मंत्री बना लिया। तब पड़ोसी देश ने चढ़ाई कर दी, जब चढ़ाई कर दी तो दोस्तों ने कहा कि चढ़ाई तो हो गई, अब क्या करना है? कहा पहले राजा से पूछ लो क्या चाहते हैं, पड़ोसी राजा से। तब पड़ोसी राजा के पास गए, पड़ोसी राजा ने कहा कि मैं केवल तुम्हारी नाक काटना चाहता हूँ, नाक काट लू वापस चला जाओ। वो फिर वापस आया अपने मंत्रियों के पास, कहा नाक कटवाना चाहते हैं। तो मंत्रियों ने क्या कहा? कहा नाक है भी तो बेकार, कोई काम तो करती नहीं, न सामान उठाती है, न भोजन करती है, न कुछ देखती है, ना कटवा लो कोई, सबसे बड़ी बात ना कटवा लो। तो वो तैयार हो गया नाक कटवाने के लिए। रानी से पूछा, कहा नाक कटवाओगे? एक बात है, पीड़ा बहुत होगी। कहा अब इतने देर बाद तुम बताती हो पीड़ा होगी, मैं तो कह आया है नाक कटवा लो। तो कहा, तब रानी ने कहा एक काम करो, जो पुराने मंत्री थे उनसे सलाह लो। तो पुराने मंत्री आए, कहा वादा कर दिया, साइन कर दिया आपने नाक कटवाने का? कहे हाँ कर दिया। कहा ठीक है, चलिए अब आपको बचाना है। कहे चलिए। तो मंत्री को साथ ले गए। तो कहे देखिए मंत्री हैं हमारे, बाप के समय से मंत्री थे, मैं अब भी मेरे मंत्री हैं, मैं लेके आया हूँ, अब तो नाक काटनी है, आप नाक काट लो। तो मंत्री ने कहा हाँ, कागज पर लिखा है नाक काटिए, लेकिन खून नहीं गिरना चाहिए, खून गिरने का गारंटी नहीं है, मतलब खून गिरने का मैंने साइन नहीं किया है, नाक काट लिए जबकि मेरा खून नहीं गिरना चाहिए। अब फंस गया राजा, भाई नाक काटेंगे तो खून गिरेगा। तो पड़ोसी राजा ने कहा अब ठीक, अब तो मूर्ख हो लेकिन अब ज्ञानी लोगों को साथ में रख लिए हो, इसलिए तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तो अगर अज्ञानता हो
मूर्खता हो अपने अंदर, तो ज्ञानी लोगों के साथ रहिए, वो हमको आपको क्लेश से बचा लेंगे। ठीक। दूसरा क्लेश क्या है? अस्मिता। अच्छा, हमारे हनुमान जी के पास कितना ज्ञान है? ज्ञानी नाम अग्र गण्यम, बल बुद्धि विद्या देहुमोह, विद्या देने वाले हैं। इसका मतलब हनुमान जी हमारे आपके क्लेश को हर देंगे अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो। तो पहला क्लेश क्या हरेंगे? अविद्या नहीं रहेगी। अगर हम आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे ना, तो अविद्या नहीं रहेगी हमारे आपको। इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ना जरूरी है। अब लोग सोचते हैं उसमें क्या लिखा है, कुछ तो नहीं लिखा है, कुछ तो ज्ञान की बात। अरे पहले पढ़ो तो। अच्छा, पानी में लिखा है कि प्यास बुझाएगी, लेकिन बुझाती है ना। वैसे हनुमान चालीसा में नहीं लिखा है, लेकिन हनुमान चालीसा ज्ञान दे देती है। हाँ, ज्ञान लिखा भी है, लेकिन जो अविद्या से ग्रसित है उसे दिखाई भी नहीं पड़ता भाई। हनुमान चालीसा में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि आज तक कोई अर्थ नहीं कर पाया। अर्थ तो लिखे हनुमान चालीसा का, लेकिन अविद्या कहीं पढ़ा आपने? अविद्या लिखा, अविद्या कौन सी है? अब आज सुन लीजिए। तो पहला क्लेश क्या है? अविद्या। और दूसरा क्लेश क्या है? अस्मिता, मैं बहुत महान। ये दूसरा क्लेश है, ये हमको आपको बहुत दुख देता है। इसी क्लेश से हम ग्रसित हैं। किससे? अहंकार के क्लेश से। और अहंकार ऐसा है ना, कुछ सीखने नहीं देता, कुछ नहीं सीखने देता। हमारे दादाजी मौन थे, एक आदमी आता था रोज, मौन रहते थे, तो उनको लिख के बोलते थे। तो उनको लिखा, कहा आप पंडित जी हैं, आप तो मौन हैं, आप तो कुछ सिखाते नहीं, आपको सिखाना चाहिए, आप तो मौन व्रत ले लिए है। रोज रोज कहता, तो एक दिन उसको लिखे, अच्छा कल अनंत में तुम्हें सिखाऊंगा। तो उसको कुछ ज्ञान की बातें लिख के पढ़ाने लगे, तो कहा ये सब तो मैं जानता था। कहा जानते थे? कहा हाँ। कहा क्या जानते थे? कहा क्षमा करना चाहिए। कहा कि मैं तो जानता था दूसरे को क्षमा करना चाहिए, यही तो आप बात मुझे पढ़ा रहे। वह खींच के एक थप्पड़ मारे उसको, वो गिर गया। अब वो गर्म होने लगा, कहा अरे अभी तो तू कह रहा था क्षमा करना चाहिए, तू पढ़ा था लेकिन जानता नहीं था। तू पढ़ा था क्षमा करना चाहिए, लेकिन जब पढ़ा जानता होता तो मैं तुम्हें मारा, तो मुझे क्षमा करना चाहिए ना। तू पढ़ा था लेकिन जानता नहीं। तो अस्मिता, लोग आते हैं ना, हमें सिखा दीजिए, लेकिन सीखना नहीं, वो सिखाने के लिए आते हैं, बताने के लिए आते हैं कि मैं इतना जानता हूँ, आप आया हूँ आपके बहाने से। मेरी एक आए थे, एक बहुत थे, तो वो जब आते थे तो मैं देनहाक में रहता था, तो दक्षिणा देते थे, ऐसी बात थी, पढ़ने आते थे। लेकिन जितने देर पढ़ते थे वो 5 श्लोक उनको गीता के याद था, वही सुनाते थे, और सुनाने के बाद दक्षिणा देके चले जाते थे। एक दिन लोगों ने पूछा कि भाई पंडित जी आपके पास आते हैं सीखने आते हैं? हम कहा सीखने नहीं आते, ये सुनाने आते हैं क्या सीखे हैं। तो 5 श्लोक वही बताते थे। तो अहंकार बस हम सीखना नहीं चाहते और सीखते भी नहीं। अस्मिता, अपने सम्मान को बचाने की कोशिश में रहते हैं, कहीं चोट न लगे। सम्मान बचाइए, लेकिन सम्मान बचाने का अहंकार मत पालिए। तो ये दूसरा क्लेश कहा गया, उसका नाम है अस्मिता। ये बहुत दुख देता है। तीसरा है राग। किसी से राग हो गया तो दुख होगा, ये मेरा है, अगर टूट जाए कोई ले जाए तो मुझे दुख होगा। ये मेरा है, टूट
जाए कोई ले जाए तो दुख होगा, होगा ना, क्योंकि इससे राग है। लेकिन अगर ये दूसरे का हो तो कोई ले जाए मेरा क्या। अच्छा देखिए, आप जा रहे हो रास्ते में, ठीक है, और किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो आपका अच्छा हो गया, हो गया होगा, ठीक। आप थोड़ी दूर बढ़े तो किसी ने बताया, अरे आपने ध्यान नहीं दिया, वो आपके ही गांव का था। अरे अब जैसे ही आया कि मेरे गांव का था तो अब चोट लगी ना, मेरे गांव का था, अच्छा कौन था, थोड़ी सी चोट लगी। तब तक तीसरा आया, कहा अरे आपका ही परिवार का था, आपने नहीं ध्यान दिया मेरे पर, अब दुख बढ़ता जा रहा है ना। और जब कहा आपके ही परिवार का था और कह दे कोई आपका ही भाई था, आपका ही बेटा था, आपका ही नाती था, तो जो अभी हम छोड़ के जाने के लिए तैयार थे अब जाएंगे, अब वापस आएंगे, अब चाहे जैसे रुक, क्योंकि यह मेरा राग जो उससे है यह हमें दुख देता है। अच्छा तीसरा, चौथा है द्वेष। द्वेष हम किससे करते हैं, द्वेष तो हम छोटी छोटी बातों पर कर लेते हैं। कैसे दुश्मनी होती है, कोई आए अगर आप एक बार न बोलिए तो हमसे नाराज है, का समझे अपने आप के, दुश्मनी शुरू हो गई ना। और जैसे ही दुश्मनी हम किसी से शुरू करते हैं तो सबसे पहले दुख हमें ही होता है, इसी को कहा गया क्लेश। चार हुआ, और शास्त्र कहते हैं पांचवा अभिनिवेश, ये बड़ा भयंकर क्लेश है, ये सबको लग जाता है। एक क्लेश क्या है, एक क्लेश है कि वह सब दिन जिए कभी न मरे, और सब दिन जिए। अब कहेगा कि नहीं 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 मैं तो नहीं चाहता कि सब दिन जीऊं, ठीक है, लेकिन जब वो घर द्वार बनाता है तब सोचिए पूछिए ऐसा घर बनाएगा कि जैसे 200,000 बरस तक वो जिएगा। अभिनिवेश, अरे अर्जुन गए कृष्ण भगवान से, कहे कि मैं यज्ञ करूंगा, अरे तपस्या करना चाहता हूं, और कृष्ण तुम मेरे मित्र हो तुम चलो। कृष्ण भगवान लेके गए जंगल में, कहा जंगल में तपस्या होती महाराज करो। कहा अरे तपस्या कैसे करूंगा यहां, अभी कल को पानी बरसेगा तो भीज नहीं जाऊंगा, अरे कम से कम मेरे लिए झोपड़ी तो बना दो। तो कृष्ण भगवान झोपड़ी बना दिए। जब कृष्ण भगवान झोपड़ी बना दिए तो कृष्ण भगवान कहे अच्छा अब झोपड़ी में बैठ के तपस्या करो। कहा महाराज अब मुझे छोड़ के जा रहे हो, झोपड़ी बना दिए, 2 घंटा बाद मुझे भूख लगेगी तब मैं क्या करूंगा। 2 घंटा बाद कहे कि मुझे भूख लगेगी तब मैं क्या करूंगा। तब बगल में एक संत थे तपस्या कर रहे थे पेड़ के नीचे, वो हंस दिए, कहे अर्जुन मैं 1000 बरस से यही तपस्या कर रहा हूं। कहा 1000 बरस है, कहा हाँ, कहे आप घर नहीं बनाए, कहे मैं सोचता हूं अगले क्षण मर जाऊं क्या घर बनाऊंगा, अगले घंटा शायद मैं मर जाऊं तो घर क्या बनाऊंगा, घर क्यों बनाऊं। तो कहे भोजन, कहा जब पेट दिया है तो भोजन भी देगा। तो कृष्ण भगवान कहे देखो ये तपस्या है, हर समय सोचो कि किसी समय जान जा सकती है तब तपस्या होगी। और कहा यह अभिनिवेश का जो रोग है सबको लगा है, किसको, ज्ञानी को भी और अज्ञानी को भी। भाई जो शास्त्र पढ़ा है, जो शास्त्र के बड़े विद्वान हैं, जरा उनसे बात करके तो देखिए उनका प्लान कितना बड़ा रहता है, मेरी तरह मेरा भी प्लान बड़ा रहता है, क्यों पंडित जी, लेकिन मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, मेरा भी प्लान बड़ा रहता है, मैं 50 बरस पुराना प्लान बनाए के रखे रहता हूं, मैं 50 बरस पुराना प्लान बना के रखता हूं,
तो ज्ञानी और अज्ञानी सबको एक है कि वह चिरजीवी है, वह कभी नहीं मरेगा। और जब मरता है तो क्या होता है, तब दुख लगता है। ये पांच क्लेश है। और हमारे हनुमान जी को न तो अविद्या है, न अस्मिता है, अहंकार है, नाम ही हनुमान है जिसने अहंकार को मार दिया, जिसने अहंकार को मार दिया, नाम ही हनुमान है। राग किसी से है नहीं, बंदर जाति के है महाराज, न घर बनाना, न द्वार बनाना, क्या बनाना, कुछ नहीं। द्वेष किसी से नहीं, कहेगा द्वेष नहीं था तो राक्षसों को मारा क्यों। रावण ने पूछा आपने फल क्यों खाया, अब तो दुश्मन था, डांट के भी बात कर सकते थे, लेकिन हनुमान जी ने कैसे कहा, फल खायो प्रभु लागी भूखा। कहा अरे मालिक, कितना बढ़िया शब्द कहा, अरे मालिक प्रभु भूख लगी थी इसलिए फल आपका तोड़ के खा लिया। कहा अच्छा फल तो खाया, ये बताओ पेड़ क्यों तोड़ा। हाँ? कहा कपि स्वभावते तोरे रूखा। कहा मालिक बंदर हूं, पेड़ पर चढ़े तो पेड़ तो हिलाएंगे और पेड़ टूट गया, क्या करूं। कहा राक्षसों को मारा क्यों। कहा मैंने किसी को नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिन्होंने मुझे मारा मैंने भी उनको मारा। हाँ उन्होंने मारा तो मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने मारा तो मर गए, तो मैं क्या करूं। फल खायो प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभावत्रे तोरे रूखा। और जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मारा, वो मर गए तो मैं क्या करूं। और ते ही पर बाधे स्तने तुम्हारा, कोई द्वेष नहीं। और द्वेष का एक रूप है जलन, ठीक। देखिए उन्हीं के सामने उन्हीं की कृपा से सुग्रीव राजा बन गया, जलन हुआ उनके मन में, उन्हीं की कृपा से उन्हीं के आशीर्वाद से विभीषण राजा बन गया, कोई जलन हुआ उनको, कोई जलन। तो ऐसे हनुमान जी की। और अभिनिवेश, अभिनिवेश कितना है, चिरजीवी है हमारे हनुमान जी, लेकिन कभी कहते हुए नहीं सुनाई पड़ेंगे कि मैं वो, कभी घर बनाते हुए दिखाई पड़े हनुमान जी नहीं। तो ये पांचों क्लेश उनके अंदर नहीं है, इसलिए बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो क्लेश, ये पांच तरह के जो क्लेश है उसको हमारे हनुमान जी हर लेते। अच्छा अब विकार क्या है, अच्छा जो लाइव देख रहे हैं मैं उनसे भी कह रहा हूं, अगर कथा कठिन लग जाए तो आप लिख दीजिएगा फेसबुक पर, पंडित जी कथा बहुत कठिन है, ठीक है, फिर कल से हम आपको हनुमान जी की कथा सुनाएंगे। विकार क्या है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मस्त मत्सर, एक खड विकार कहे गए शास्त्र में। खड विकार है। तो पहला विकार कौन सा है, काम। काम बहुत बड़ा विकार है। मैंने कहा कि काम अगर आ जाए, मानस रोग में आया ना, कि एक काम के बस में रावण हुआ, पूरा वंश खत्म हो गया, ठीक, पूरा वंश का वंश खत्म हो गया। पुरुरवा काम के बस में हुआ, उर्वशी के साथ पुरुरवा का राज्य खत्म हो गया। एक काम के बस में होकर के सब कुछ खत्म हो जाता है, काम के बस में सब कुछ नष्ट हो जाता है। पुरुरवा काम के बस में हुआ, रावण काम के बस में हुआ, विश्वामित्र काम के बस में हुए, इंद्र काम के बस में हुआ, हुए ना हमारे हनुमान जी।
बन बाग उपवन बाटिका सर को पबापी सोहि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। जब हमारे हनुमान जी लंका में गए तो क्या हालत थी? नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनिमन मोह। किसकी किसकी? नर की लड़कियां घूम रही थी, नागलोक की लड़कियां घूम रही थी, देवताओं की लड़कियां घूम रही थी, गंधर्व की लड़कियां घूम रही थी, और वो इतनी सुंदर थी कि बड़े बड़े ऋषि मुनि अपना तपस्या छोड़ करके उनसे विवाह करके उनके साथ जीवन शुरू कर दिए थे। ठीक यही लंका में लिखा जो हनुमान जी गए, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनिमन मोहि। हमारे हनुमान जी ने क्या किया? किसी के मोह में नहीं फंसे महाराज, और लंका को जला के चले आए, तो काम को जीत लिए ना। हनुमान जी का रूप क्या है? ब्रह्मचारी का, ब्रह्मचारी का रूप। दूसरा है काम, पहला है काम, दूसरा क्या है? क्रोध। हनुमान जी जब गए तो रावण को चाहते तो तुरंत मार देते, इतना उनके अंदर इतनी ताकत थी, और अगर क्रोध उनके अंदर होता तो तुरंत मार देते। और राक्षस लोग क्या करते थे? हमारे हनुमान जी को लात मारते थे। क्या कहा हनुमान जी ने? क्रोध नहीं आया, मोही न कछु बांधे कर लाजा की न चाहूं निज प्रभु कर काजा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। विनती करूं जो हनुमान जी को सुंदरकांड में है, अब आप बताऊंगा तो आप लोग खोजेंगे, और खोजेंगे तो पन्ने ही पलटते रह जाएंगे, तब से मैं दूसरी जगह पहुंच जाऊंगा। तो बांध दिया, इसीलिए पाठ करना जरूरी है, तो तुरंत पकड़ लेंगे कहां कहां पर हूं मैं। तो रावण ने पूछा, तुम्हें लाज नहीं आ रही है, तो बांध आ गया है। और क्या करते थे? मारहि चरण करहि बहु हासी। राक्षस जो भी आता था हनुमान जी को 10 लात मारता था और हंसता था। राक्षस हनुमान जी को लात मार करके हंसता था। रावण ने पूछा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है बंदर? हनुमान जी चाहते तो उठा के पटक देते और रावण वही मर जाता, लेकिन हमारे हनुमान जी ने मारा नहीं, क्रोध नहीं किया। कहा क्यों? कहा मोही न कछु बांधे कर लाजा की न चाहूनि प्रभु कर काजा। श्री राम क्रोध आया ही नहीं महाराज को, क्रोध कर सकते थे ना, क्रोध नहीं आया। वास्तव में कहेंगे इतना लोगों को मारा कैसे बिना क्रोध किए? क्रोध बस नहीं मारा, जानते क्यों मारा? की न चहो निज प्रभु कर काजा। कहा मेरे राम जी का काम है राक्षस को मार दो, क्रोध करके नहीं मारा, राम जी का काम जान करके मारा।
कहेंगे हनुमान जी क्रोध नहीं किए तो मारा कैसे? क्रोध करके नहीं मारा, राम जी का काम जान करके मारा। तो न काम है महाराज को न क्रोध है, तो हनुमान चालीसा जब पढ़ेंगे तो काम नहीं पैदा होगा और क्रोध भी नहीं आएगा। तो हर काम हम कैसे करेंगे? राम जी का काम समझ के करेंगे। और जब तक राम जी का काम समझ करके नहीं करेंगे तो हमारा हमारे अंदर काम भी आएगा और क्रोध भी आएगा। अच्छा, तीसरा क्या कहा? काम, क्रोध, लोभ, लालच। अब ये बताइए, हमको आपको कोई लंका भेज देता और सोने की लंका देखते और उसको जलाने का मौका मिलता, हम तो यही सोचते भैया जलाने से कौन फायदा, 2 किलो सोना झोला में भर लो चलो वापस चलते जलाने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है जलाने की? कोई जरूरत थी भाई क्या जलाना? जब लंका ही ले जा सकते हैं तो सोने पूरा ले जाते, 2 किलो की क्या बात भाई, हमारी औकात 4-5 किलो की है, हम तो 4-5 किलो लाते, हनुमान जी तो पूरा लंका ही ला सकते थे, तो पूरा सोना उठा लाते। लेकिन हमारे हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, लोभ है और यह सोना रावण का है। यह सोना किसका है? रावण का। और इस सोने को रावण ने पाप से कमाया है, मैं ले जाऊंगा तो मेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों? जैसा दान लेंगे वैसा ही रहेंगे, जैसा लूट के खाएंगे जैसा खाएंगे वैसे ही ना, तो दूसरे का लूट के लेके जाएंगे और जब खाएंगे तो कैसी बुद्धि होगी? लुटेरे की बुद्धि होगी, कोई भगत की बुद्धि नहीं होगी। इसलिए सोना वोना लेते समय बड़ा सोचना चाहिए कि जो दे रहा है वो कैसे कमाया है। आजकल क्या है, दे रहा है बस गीत गाओ देने वाले का, हाँ? देने वाले का गीत गाओ, पैसे में बड़ी ताकत होती है, बड़े बड़े लोग पैसे के नीचे गिर जाते हैं। और पैसे और सोना के नीचे न गिरे, अगर बचाए तो भगवान बचाए कलयुग में, नहीं कोई बचाता उचाता नहीं, कोई नहीं बचा सकता। क्रोनिंगन का मंदिर खरीदते समय यही हुआ था ना, मुफ्त में 50,000 मिल रहा था, ले जाइए खरीद लीजिए मुफ्त में, वापस भी नहीं देना था। 3 दिन मन फंसा रह गया, 3 दिन लू न लू, 80% मन तैयार था लेना है, लेकिन मन में फैसला हुआ कि नहीं नहीं लेना है। पैसे में बड़ी ताकत होती है। लेकिन हमारे हनुमान जी पूरा रावण का महल जो है उलट पुलट लंका सब जा रही। कहा उलट के और पुलट के क्यों जा रहे? कहा जा रहा इसलिए कि थोड़ा सा भी सोना मन में लालच पैदा कर देता है, इसलिए थोड़ा भी न बचे इसको उल्टो पलटो और जला दो। हमारे हनुमान जी ने पूरी लंका ही जला दी। तो काम, क्रोध, लोभ, ठीक। उसके बाद क्या आया? मोह। बंदर को कौन सा मोह? बंदर को मोह होता है किसी चीज से? हमारे शंकर भगवान सोचे कि भगवान की भक्ति में यह मोह बड़ा बाधा। कहे क्या? कहे पार्वती एक तो तुम्हारा मोह है, क्योंकि देवता हूँ भगवान हूँ, तुम्हारा मोह। अच्छा चलिए, तो सोचे कि अच्छा मोह खत्म करते हैं। तो कहा कि तब अगर मनुष्य बनूंगा तो घर बनाना पड़ेगा तो घर का मोह, ठीक है। जानवर बनूंगा तो बिल में रहना पड़ेगा तो बिल का मोह, अगर सांप बिच्छी बना तो जी। तो कहा पार्वती मेरे हिसाब से बस एक ही ठीक है, क्या? बंदर बन जाओ। बंदर को न घर न द्वार,
पेड़ पर रहना, किसी भी डाली पर सो लेना, बात खत्म। तो मोह है किसी? अरे मोह क्या, विभीषण लाया मार हीरा मोती गिरा दिया। अब बंदर जितना हीरा मोती था उसको दांत से काटे और उसमें देखे, इसमें क्या है? बंदर क्या जाने मोती? माता जी ने पूछ दिया, ये क्या कर रहे हो हनुमान? कहा, माता जी फोड़ फोड़ के देख रहा हूं, ये है क्या? तो कहे, क्या है? कहा, इसमें तो मेरे राम जी नहीं दिखाई पड़ रहे, इसलिए फोड़ रहा हूं इसको। और हम आप हीरा मोती पाते तो पहले गले में पहन के पूरा गांव बता आते कि देखो विभीषण ने दिया हमारे हनुमान। कोई मोह नहीं, कोई मोह। तो हनुमान चालीसा जो पढ़ेगा उसका मोह खत्म हो जाएगा। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, अहंकार भाई हमारे पास इतना धन है, उतना धन है। अच्छा, किसी का धन टिका है आज तक? नहीं, ठीक, किसी का धन नहीं टिका ना। यहूदा के एक राजा थे, उनका नाम हम लोग कहते हैं कि सोलोमन। अब क्या नीदरलैंड्स में आप लोग बोलते हैं मैं नहीं जानता, हम लोग कहते सोलोमन, सोलोमन, सोलोमन। यहूदा के बहुत बड़े राजा थे, उनसे उनके पास उस समय वो धरती के सबसे बड़े राजा थे, ठीक है। उनसे पूछा गया, आपकी जिंदगी का अनुभव? कहा, मैंने बहुत सोना जुटाया। तो कहा, फायदा? कहा, जैसे मुट्ठी में हवा नहीं बंद कर सकते, वैसे कोई सोचता है कि सोना और चांदी, रुपया और पैसा से सुख मिलेगा तो भूल जाए। हवा मुट्ठी में बंद हो सकती है? नहीं, हवा मुट्ठी में नहीं बंद हो सकती, और धन रुपया पैसा से सुख नहीं मिल सकता। तो जब मिल ही नहीं सकता तो अहंकार किस बात की? अच्छा, लक्ष्मी का एक नाम है चंचला, लक्ष्मी जी का नाम है चंचला। अच्छा, जो चंचला होता है एक जगह रहता है, वो कभी यहां कभी वहां, कभी वहां कभी वहां कभी वहां कभी वहां। एक बार निद्रा देवी से और लक्ष्मी से हो गया झगड़ा। निद्रा देवी कहे मैं बड़ी, लक्ष्मी जी कहे मैं बड़ी। तो लक्ष्मी जी ने कहा, अच्छा ऐसे नहीं मानूंगी, अगर मेरे पति कह देंगे कि तुम बड़ी तो निद्रा में तुम्हें बड़ी मान लूंगी, ठीक। तो कहा, चलिए आपके पति से ही पूछ लेते हैं। तो निद्रा देवी और लक्ष्मी देवी दोनों पहुंच गए। तो विष्णु भगवान से पूछा, लक्ष्मी जी ने कहा, बताइए मैं आपकी पत्नी हूं, याद दिला कि मैं आपकी पत्नी हूं, मैं आपसे पूछती हूं कि मैं बड़ी या निद्रा देवी बड़ी? भगवान ने कहा, निद्रा देवी बड़ी। कहा, वो कैसे? कहा, तुम लक्ष्मी हो ना, किसी को गरीब करती हो, किसी को अमीर करती हो, और ये निद्रा देवी है, जिसको आती है तो पूरी आती है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। तो लक्ष्मी किसी को बराबर नहीं आती और किसी के पास बराबर रहती भी नहीं। तो अब बताइए, अब किस चीज का जो है घमंड करेंगे? घमंड हो सकता है? नहीं, एक घमंड करना चाहिए। वो घमंड कौन सा है? असय अभिमान जाई जनी मोरे, मैं सेवक रघुपति पर मोरे, श्री राम राम।
अभिमान जो है रखना चाहिए, उसे अभिमान कोई नहीं बचता। भगवान ने कहा मेरे भक्तों के हृदय में जब अभिमान जमता है ना, पेड़ उगने लगता है, तो मैं उखाड़ के फेंक देता हूँ। तो भगवान अपने भक्तों के अंदर अभिमान रहने नहीं देते, तोड़ के रख देते हैं अपने भक्तों का अभिमान। तो सुतीक्षण जी से पूछा कि कौन सा भगवान मुझे अभिमान दे दीजिए। भगवान चौंक गए, कहा अरे कौन सा अभिमान, मैं तो अभिमान तोड़ के फेंक देता हूं। नारद जी ने पूछा कि भगवान आप जो है, मैं विवाह करना चाहा, आपने विवाह नहीं करने दिया। कहा नारद जी, जब भक्तों के अंदर अभिमान का पेड़ जमता है तो मैं तोड़ करके फेंक देता हूं। कहा क्यों? कहा अभिमान होने से मेरे भक्तों का नाश हो जाएगा, और अभिमान टूट जाएगा तो मेरे भगत आगे बढ़ेंगे, इसलिए मैं भक्तों का अभिमान तोड़ देता हूं। आपको भी अभिमान हो गया था। नारद जी को किस चीज का अभिमान? न रुपया, न पैसा, न धन, न दौलत, न कुछ। किस चीज का अभिमान करेंगे? कुछ नहीं था, घर तो था ही नहीं, जब दो मिनट से ज्यादा कहीं रुक ही नहीं सकते महाराज, तो घर क्या बनाएंगे, तो उनको कौन सा अभिमान होगा। तो उनको अभिमान हो गया तपस्या का, कि मेरी तपस्या शंकर भगवान से बड़ी है। तो अब आप, हम आप नहीं कह सकते कि तपस्वी को अहंकार नहीं होता, कह सकते हैं? तपस्या करने का भी अहंकार हो सकता है। भगवान ने पूछा वाल्मीकि जी से, कहाँ रहूं? कहा क्यों, आप कहीं भी रह लीजिए। कहा नहीं नहीं, ऐसी जगह बताइए कि मुनि उद्वेग कतहु नहीं पावई। ऐसी जगह बताइए जहां मैं रहूं कि मुनि उद्वेग कतहु नहीं पावे। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भगवान ने कहा, उन्होंने कहा महाराज आप तपस्या करोगे तो मुनि को दुख क्यों होगा। कहा दुख हो सकता है, मैं तपस्या करूंगा और किसी मुनि को मन में आए कि कल आए तपस्या करने, इतना आगे निकल गए, और मैं दो बरस से तपस्या कर रहा हूं अभी पीछे हूं, तो उनके मन में उद्वेग होगा। तो कैसे करना चाहिए तपस्या? छिपके करना चाहिए, और अपनी तपस्या के बारे में किसी को बताना भी नहीं चाहिए। जितना आप छिपा सकते हैं उतना छिपाएंगे, तभी तपस्या का फल है। और नारद जी ने क्या किया? तपस्या किए, कामदेव को जीत लिए। कामदेव को जीते क्या, हार गए, लेकिन नारद को दिखाई नहीं पड़ता। कभी कभी किसी को अपनी हार नहीं दिखाई पड़ती, अपनी हार नहीं दिखा, अपनी हार दिखाई पड़ती है? नहीं, कभी कभी नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन आदमी हार जरूर जाता है। जनकपुर की सीता जी की सखियों ने भगवान से मजाक किया, कहा कि आप ये बताइए सीता जी से विवाह क्यों हो रहा है आपका। लक्ष्मण जी बीच में बोल पड़े, कहा मेरे भैया ने धनुष तोड़ा तो विवाह हो रहा है। कहा अपने भैया से पूछ लो, धनुष से तोड़े हैं, पूछ लो अपने भैया से। तो राम जी चुप, तो कहा तुम कैसे कह सकती हो कि भैया ने धनुष नहीं तोड़ा। कहा जब परशुराम आए तो महाराज क्या कहे, छुअत टूट रघुपति नहीं दोष। अरे छूते हुए टूट गया, अब छूने से टूट गया ये तो मेरी ताकत थोड़ी है कि मैंने तोड़ा। अरे पुराना था, टूट गया। ये तो आप ही ने कहा लक्ष्मण जी कि छुअत टूट रघुपति नहीं दोसु, मुनि बिनु काज करत केतु रोसु। कहा ये तो आप ही ने कहा था लक्ष्मण जी, जब आप पूछिए अपने भैया से, कहे आप भी कहे और आपके भैया भी कहे कि धनुष नहीं तोड़ा मैंने, ऐसे टूट गया। तो धनुष तो तोड़े नहीं, तो सीता जी से ब्याह कैसे हो रहा है? तब तो सीता जी से ब्याह नहीं होना चाहिए ना। और कहा पूछिए इनसे, और टूटा कैसे था।
जब धनुष तोड़ रहे थे इनको धनुष देखना चाहिए था ना, ये तो बार बार सीता जी की तरफ देख रहे थे। रामचरितमानस में ही लिखा है कि धनुष तोड़ते समय भगवान जी धनुष नहीं देख रहे थे, सीता जी को देख रहे थे। तो लक्ष्मण जी कहा अच्छा तुम ही बताओ क्यों देख रहे थे। कहा हाथ जोड़ रहे थे हमारी सीता जी से। अरे देवी ताकत दे तो टूट जाता ये। एकदम लक्ष्मण जी को चुप करा दिया उन लड़कियों ने। कहा महाराज जानते हो? कहा क्या? कहा किसका सिर झुकता है, जो जीतता है या जो हारता है? लक्ष्मण जी ने कहा जो हारता है। तो कहा बताइए जब सीता जी ने ऐसे हाथ उठा दिया तो आपके भैया ने सिर झुकाया ना उनके सामने, वही हारे ना। इसलिए हमारी सीता जी ने उनका हार पहनाया, फूल की माला नहीं पहनाई, हार पहना दिया उनको। तो उन कन्याओं सखियों ने बहुत अच्छा कहा कि धनुष राम जी ने नहीं तोड़ा। अगर राम जी अहंकार करते हैं तो गलत बात है। और राम जी ने खुद कहा मैंने धनुष नहीं तोड़ा। लक्ष्मण जी ने खुद कहा छुवत टूट रघुपति नहीं दोषु। कहा जब मैंने तोड़ा नहीं तो अहंकार कैसा है। लेकिन हमारे नारद जी को क्या हुआ कि मैंने इतनी बड़ी तपस्या की और देखो कामदेव आकर के मेरे सामने झुक गया, ये अहंकार हो गया। और झुकने के बाद क्या हुआ? अब आप माला जप रहे हो, उस दिन कह रहा था ना माला जप रहे हो, माला आधी हुई और कोई आपको आकर के राजा महाराजा प्रणाम किया, आपने माला रख दी, जाप नहीं पूरा किया, तो क्या कहेंगे? तपस्या भंग हो गई ना। तो ऐसे उनको तपस्या भंग हो गई। उनको लगा देखो दुनिया काम के बस में रहता है और ये आके मेरे बस में हो गया, मेरे पैर झुक लिया, अब क्या तपस्या करने की जरूरत है। दुनिया का राजा जो है जो सबको बस में किए हुए, आज वो मेरे पैर में, बस अहंकार हो गया। अहंकार हो गया तो कहां गए? शंकर भगवान के पास गए। कहा महाराज मैंने कामदेव को जीत लिया। शंकर भगवान ने कहा देखो देखो मुझसे तो कह दिया लेकिन विष्णु भगवान से मत कह। भाई जिसके अंदर अहंकार होता है जलने लगता है दूसरे से। तो नारद जी ने क्या सोचा? नारद जी ने सोचा देखो अब इनको जलन हो रही है, ये नहीं चाहते कि लोग जाने कि मैंने भी कामदेव को जीता है, ये चाहते हैं कि लोग जाने कि वो शंकर भगवान ने कामदेव को जीता है। भगवान के पास पहुंच गए। अच्छा जब किसी के अंदर काम आता है तो राम छूट जाते हैं। तो जब विष्णु भगवान के पास पहुंचे करतल बजाते हुए और विष्णु भगवान उठ के खड़े हो गए और कहा अरे अरे मुनिदेव बड़े दिन पर दया की। तो क्या किया नारद जी ने? काम चरित सब बरज बखानी, पूरा विस्तार के साथ बताया कि भगवान मैं कामदेव को जीत के आया, मुझे जलाना थोड़ी पड़ा, अरे आके वैसे घोड़े पर गिर पड़ा। भगवान ने कहा अच्छा 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 अब इनके मन में अहंकार हो गया, तो उसी अहंकार को हमारे भगवान ने तोड़ के गिरा दिया। और क्या हुआ कैसे तोड़ा? वहां से मिल के चले महाराज, विश्वमोहिनी मिल गई। अब विश्वमोहिनी के देखते ही चेहरा भूल गए महाराज कि कामदेव को मैं जीता हूं। तो अहंकारी आदमी भूल भी बहुत जल्दी जाता है और उसका अहंकार टूटता भी है। तो भगवान ने अहंकार को तोड़ दिया। अब सोचिए हनुमान जी के चालीसा जब पढ़ेंगे तो क्या होगा? अहंकार नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा। क्या याद आएगा हनुमान जी को याद करके? अरे अरे अहंकार करेंगे तो भगवान ने नारद मुनि को हनुमान जी का चेहरा दे दिया था, अब मुझे भी वही चेहरा दे देंगे, मतलब बंदर बना देंगे महाराज। तो जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसे अहंकार नहीं होगा, इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा अब पर्वत बाबा बैठे हैं, हनुमान चालीसा का बढ़िया अर्थ है ना? ठीक
आनंद आ रहा है, क्यों पंडित जी? बिल्कुल सही है। सही है ना? अच्छा तो अब ठीक है, यही है। इसलिए हनुमान चालीसा का अर्थ करना लोग घबराते हैं, तो कहो क्या क्या खत्म हो जाए हनुमान चालीसा पढ़ने से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मतलब अहंकार, मत्सर। मत्सर मतलब जलन। अच्छा, जलन आदमी किससे करता है? जिसको जानता है उसी से जलन करता है, कि दूसरे से? जिसको नहीं जानता उससे तो जलन नहीं होगी ना। आदमी जिसको उसी से जलता है जिसको जानता है, पहली बात। और जलन कब होती है? जब कोई अपने बगल में बैठने वाला व्यक्ति अपने से आगे निकल जाए। ठीक, तो भगवान ने एक दिन पूछा हनुमान जी से, कहा हनुमान जी आपने मेरी भेंट सुग्रीव से कराई, हाँ मैंने बाली को मारा और सुग्रीव को राजा बना दिया, आप तो घाटे में रहे। हनुमान जी चुप थे। हाँ, कहा आपने मेरी भेंट विभीषण से कराई। ठीक, कहा आपने मेरी भेंट विभीषण से कराई, मैंने रावण को मारा और विभीषण को राजा दे दिया, आप फिर घाटे में रहे। हनुमान जी ने कहा नहीं महाराज, मैं फायदे में हूं। देखिए सोचने का तरीका किस तरह होना चाहिए, हनुमान जी से सीखना चाहिए। कहा मैं फायदे में हूं। कहा कैसे? कहा ये बताइए, जब आपने बाली को मारा और सुग्रीव को राजा बनाया तो उसे कौन सा पद दिया? राज पद दिया बाली का। बाली की जो कुर्सी थी वो सुग्रीव को दे दिया, राज पद दिया उसको। कहा जब आपने रावण को मारा तो विभीषण को कौन सा पद दिया? जो रावण का पद था आपने विभीषण को दे दिया। अच्छा, एक पद आपने दिया, राज पद दिया सुग्रीव को, एक ही था, और एक पद दिया विभीषण को राज पद, एक ही पद था, और वो दोनों पद जो है एक अहंकारी का पद था और एक कामी का पद था। ठीक, और कहा आप फायदे में कैसे हैं? कहा महाराज आपके पास दो दो पद हैं, और दोनों पद राम जी के पद हैं, न तो अहंकार का पद है न काम का पद है, हमारे राम जी का पद है, मैं तो मेरे पास दो दो पद है। पैर दबाने लगे। ये है, कोई जलन हुई हनुमान जी को? नहीं। जब सुग्रीव राजा बने तो हनुमान जी खुशी मनाए, और जब विभीषण राजा बने तो हनुमान जी खुशी मनाए, और जब राम जी ने पूछ दिया तो कितना बढ़िया उत्तर दिया उन्होंने, कितना बढ़िया उत्तर दिया कि एक जो है अहंकारी का पद था। अच्छा, अगर ये राजा की कुर्सी होगी जो इस पर बैठेगा तो राजा कहा जाएगा ना, थोड़ा और दीप समझिए। और अगर ये जज की कुर्सी होगी तो जो बैठेगा जज कहा जाएगा, अगर ये अहंकारी की कुर्सी होगी कोई बैठेगा तो क्या कहा जाएगा? अहंकारी कहा जाएगा। ठीक, और अगर कामी की कुर्सी होगी कोई बैठेगा इस पर तो कामी कहा जाएगा। तो कौन फायदे में रहा? हनुमान जी फायदे में रहे ना। कहा महाराज अहंकार की गद्दी पर आपने बैठा दिया सुग्रीव को, और काम की गद्दी पर आपने बैठा दिया विभीषण को, मुझे तो राम जी का पद मिला, अब बताइए मैं फायदे में हूं कि घाटे में हूं? भगवान चुप, भगवान एकदम चुप, कुछ नहीं बोले भगवान। और मेरे समझ से भगवान ऐसा उत्तर सोचे भी नहीं होंगे, भगवान भी ऐसा उत्तर नहीं सोचे होंगे, इसलिए हनुमान जी कौन है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनहु रघुबर बिमल जसु
जो दायक परिचार बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अच्छा आज दूसरा दिन है हनुमान चालीसा का और हम लोग दो दोहा नहीं पार कर पाए हैं अभी, ठीक है। अब 40 चौपाई है, 40 दिन तो चाहिए कम से कम, क्यों पंडित जी? चालीस चौपाई है, 40 दिन तो अर्थ करने के चाहिए। और कितना दिन रह गया सभी तय? 5 दिन और रह गया, 5 दिन। अच्छा कल सविकार बल बुद्धि विद्या देव मोहि। अच्छा हनुमान जी कैसे हैं? चारों युग प्रताप तुम्हारा, ये कलेश और विकार चाहे सतयुग में आए तो हनुमान जी खत्म कर देंगे, त्रेता में आए तो हनुमान जी खत्म कर देंगे, द्वापर में आए तो हनुमान जी खत्म कर देंगे, और कलयुग में आए तो हमारे हनुमान जी खत्म कर देंगे। तो इसलिए चाहे सतयुग हो तो हनुमान चालीसा पढ़िए, त्रेता हो तो हनुमान चालीसा पढ़िए, द्वापर हो तो हनुमान चालीसा पढ़िए, और कलयुग हो तो हनुमान चालीसा पढ़िए, और क्या तीनों लोक क्या है, तीन लोक है, चारों युग प्रताप तुम्हारा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा रंजनी पुत्र पवन सुत रामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगे कंचन वरन विराज सुमेशा कानन कुंजित केसा हाथ भद्रय ध्वजा विराज काजे जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणीयति चातुर राम काज करी बैठो मातुर प्रभु चरित्र सुन देखो रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि आवा बिकट रूप धरि लंकर रावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन हे रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत समुदाई सहस भजन तुम रो जस गावे हस करि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित जम कुबेर दिगपाल जानाते कवि गोविंद गति सचे कहाते तुम उपकार सुप्रेम ही दीना राम मिलाय राज बल दीना तुम रो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस जो जन
परमानु मेरे उतारे मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेले मुख माई जल दिलाने गए अचरज नानी दुर्गम काज जगत के देते सुगम रनोग तुम्हारे ते राम दुआरे तुम रखवारे ओ तन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रथ का डरना आपन देश मारो आपे भूत पिशाच विपद नहीं आवे महावीर नाम सुनावे नाश रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा संकट से हनुमान छुड़ावे भजन ज्ञान जो रावे सब पर राम तपस्वी राजा बिन के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग पर असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हर प्रकाराई और देवता चेतन रही हनुमत से सर्व सुख कर संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे मत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ करे कोई तो जहि बंदे महा सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा की जय नाथ हृदय मन डेरा की जय नाथ हृदय पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप राम लखन सीता बात इतना कथा सुने और एक बहुत बड़ी बात जो बहुत बार पूछा जाता है कहा हनुमान चालीसा पढ़ना किसको चाहिए कुछ लोग कहते नहीं 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 लड़कियां नहीं पढ़ सकती नारी जाति नहीं पढ़ सकती औरतें नहीं पढ़ सकती हाँ
एक बार एक यज्ञ में था, हनुमान जी की कथा चल रही थी, हमारे पिताजी स्वामी जी कथा सुना रहे थे, उनसे पूछने की तो हिम्मत नहीं पड़ी, तो लोग मुझसे ही पूछ बैठे कि हनुमान जी की कथा चल रही है, आप लोग हनुमान जी चालीसा का पाठ करा रहे औरतों को, माफ नहीं है करने को हनुमान चालीसा? हम कहाँ लिखा है? चुप चुप, अब कुछ नहीं बोल पाए हम। कहा तो कहे कि अच्छा आप बताइए कि करना चाहिए कि नहीं। हम कहा मुझसे क्यों पूछते हो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कहे क्यों? हम कहा हनुमान चालीसा से पूछो, मुझसे मत पूछिए हनुमान चालीसा। कहे हनुमान चालीसा कैसे बताएगी? हम कहा भाई शास्त्र में नियम है, शास्त्र खुद उत्तर देते हैं, अब आप नहीं पूछोगे तो नहीं बताएंगे। तो कहने आप अपना विचार बताएं। हम कहा मेरा विचार ही नहीं तो मैं बताऊं क्या? शास्त्र जो कहते हैं वही मानना चाहिए। कहे हाँ। तो हम कहा भाई शास्त्र से पूछ लो। कहा अच्छा ये बताइए, अब मजाक में आ गए चिढ़ाने के लिए मुझे, कहा आपने पूछा आपको बताए थे? हम कहा हाँ मुझे बताए थे, आपको नहीं बताए? कहे मुझे तो कभी नहीं बताया। हम कहा मुझे बताते हैं। हम कहा आपने हनुमान चालीसा से पूछा कभी ये सवाल? तो भाई जिसके नाम के आगे पंडित लग जाए, पंडित कृष्णा जी आपके लिए नहीं मैं पंडित जी आपके लिए नहीं कह रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। जिसके नाम के आगे पंडित लग जाए बड़ा खतरनाक अब कुछ कह दिए तो बाप रे बाप, पंडित की ताकत जबान में श्राप ही देंगे, तो गर्म हो गए। कहा आप ही बताओ फिर आपने पूछा है? हम कहा मैंने पूछा है, मुझे बताए। तो कहे क्या बताए आपको? हम कहा मुझे बताए जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो या सिद्धिसा की गौरी सा श्री राम दे। कहा हमको बताया हनुमान चालीसा? कहा क्या बताया? हम कहा जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध साक्षी गौरी सा। उसमें नहीं लिखा कि नारी न पढ़े नर पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध साक्षी गौरी सा। उसमें लिखा है जो पढ़े, चाहे पुरुष पढ़े, चाहे औरत पढ़े, चाहे नारी पढ़े, चाहे ब्राह्मण पढ़े, चाहे शूद्र पढ़े, चाहे हिंदू पढ़े, चाहे मुसलमान पढ़े, चाहे क्रिश्चियन पढ़े, सबका अधिकार है। तो कहा या हम तो इतने दिन पढ़े हमने ध्यान ही में नहीं आया। हम कहा भाई ध्यान में नहीं आया क्योंकि आपने ध्यान लगाया नहीं और मैंने भी ध्यान नहीं लगाया, मैंने केवल पूछ लिया हनुमान चालीसा से कि महाराज ये बताइए आप हनुमान जी की कथा कहते हो आपको सब कोई पढ़ सकते हैं? तो हनुमान चालीसा ने कह दिया जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो या सिद्धिसा की गौरी सा श्री राम जय राम। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध साक्षी गौ कोई भी पढ़ ले, चिड़ई कौआ मनुष्य हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी पढ़ ले और वो सिद्ध हो जाएगा। ये हनुमान चालीसा की महानता है। आप लोगों को मैं बहुत दिनों तक नहीं डर में मत रहेगा कि हनुमान चालीसा की कथा पूरी नहीं होगी। जब दो दिन में केवल दो दोहा ही पार कर पाए महाराज, तो अभी तो 40 चौपाई है, कहाँ से पार करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले 5 दिन में हनुमान चालीसा पूरी हो जाए, लेकिन मैं क्या करूँ, जब मैं पढ़ता हूँ तो यही सब मेरे दिमाग में आता है। हाँ, भगवान ने कोरोना के नाते मौका बना दिया कि बाहर कम जाना होता है और आपको सुनाने का मौका मिल रहा है, जो मेरे विचार